देखिए दोस्तों, आपने ये यूनिक सब्जी कभी खाई है? इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, आप इसको नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं। अगर डीप फ्राई इस तरह से करके बनाइए तो आप नाश्ते के रूप में खा सकते हैं, इस तरह से आप बनाइए तो इसको आप खाने के साथ सर्व कर सकते हैं, लंच में, डिनर में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिनर रसोई में बना रहे हैं ग्वाल की फली। ये एक अलग तरीके की सब्जी है, आप लोग ने भी शायद बनाई होगी। इसको तरह तरह तरीके से बनाते हैं। आज हम जिस तरीके से डिनर रसोई में आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आइए देखिए इसमें क्या क्या सामान लगता है, आइए देखते हैं। हमने ये 250 ग्राम ग्वाल की फली ले ली है, इसको हमने एक सीटी देकर उबाल लिया है। सीटी आए आप तुरंत प्रेशर को हटाकर ढकने को खोल दीजिए, नहीं तो जब ये बहुत गल जाएगी तो बनाने में आपको असुविधा होगी और टेस्टी भी नहीं बनेगी। इसको हमने उबाल लिया है। उबालने के बाद हमने इसके दोनों तरफ से इस तरह से रेशे निकाल लिए हैं। इस तरह से दोनों तरफ से आप इसके रेशे निकाल दीजिए। इस तरह से निकाल देने में खाने में और बनाना भी दोनों तरह से ये आसान है। ये एक अलग तरीके की सब्जी है, थोड़ा सा इसमें समय लगता है लेकिन खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसी तरह हमने सारी ग्वाल फली की, इसको लोग ग्वाल फली भी कहते हैं, बनसेमिया भी कहते हैं और वाहवा की छिया भी कहते हैं। इसी तरह से हमने सबके दोनों तरफ से इस तरह रेशे निकाल लिए हैं। इसमें क्या क्या सामान लगेगा आइए ये देखते हैं। एक चम्मच हमने सब्जी मसाला लिया है, आधा चम्मच हल्दी ली है, आधा चम्मच हमने पिसा मिर्चा लिया है, एक चम्मच पिसा नमक लिया है। नमक अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसको हम बेसन की सब्जी है इसलिए हम इसको मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे। एक से डेढ़ चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेंगे, आप ताज़ा जिंजर गार्लिक भी पीस सकते हैं। और इसको बन सेमिया को लपेटने के लिए हमने बेसन लिया है, हम इसको इसमें लपेट कर बनाना आपको बताएंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। ग्वाल फली के हमने सारे धागे निकाल दिए हैं, अब इसमें हम बेसन डालेंगे। बेसन आप लपेटते समय जितना बेसन लगे उस हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। आप इसको डीप फ्राई भी बना सकते हैं, हम कम ऑयल लगे इसलिए हम इसको सैलो फ्राई बनाएंगे। एक चम्मच सब्जी मसाला, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पिसा हुआ लाल मिर्चा, हम इसमें एक चम्मच नमक डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक बढ़ाइए घटाइए। आधा चम्मच इसमें हम हींग डालेंगे। अब एक से डेढ़ चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, आप ताजा पेस्ट भी पीस कर डाल सकते हैं। हम जल्दी बनाना है किसी रेसिपी को तो हम ये वाला अदरक लहसुन का पेस्ट का यूज करते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। पानी बहुत नहीं डालेंगे, पानी थोड़ा सा हम डालेंगे जिसमें सारे मसाले ग्वाल फली में अच्छी तरह से लपेट जाए। अब हम हाथ की सहायता से इसको लपेटेंगे। जरा जरा सा पानी डालकर ये एक बहुत ही यूनिक सब्जी है, ये कभी कभी बनाकर खाई जाती है क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगता है थोड़ा सा, इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए इस सब्जी को रोज बनाना नहीं पॉसिबल है। बेसन और सारे मसाले हमारे अच्छी तरह से मिल गए हैं। हमने इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था जिससे ग्वाल फली में सारे मसाले अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। अब ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गए हैं, अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ।
हमारी कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा इसमें ज़्यादा लगता है। ऑयल को हम बहुत अच्छी तरह से गर्म करेंगे। इसमें कच्चे तेल की स्मेल ना आए। जब हमारा तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम आंच को धीमा कर देंगे। हमारे तेल से अच्छी तरह से धुआं निकलने लगा है। अब हम गैस को मीडियम लो कर देंगे। और आप इसमें इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से छोटी छोटी पकौड़ियाँ भी बना सकते हैं। इस तरह भी आप इसको बना सकते हैं। अभी हम आपको सैलो फ्राई करके दिखाएंगे। आंच को मध्यम रखिए। अगर आपको जल्दी रेसिपी बनानी है तो आप इस तरह से बनाइए, तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा। नहीं तो अभी हम आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे। आप इस तरह से भी सारी छोटी छोटी पकौड़ियों की तरह भी इसको आप बना सकते हैं। ये भी दाल चावल के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। अब जो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको निकालेंगे। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप इस तरह से बना लीजिए। देखिए हमारी पकौड़ियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। इसको हम एक किचन नैपकिन पर निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी गोल्डन ब्राउन, देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं। अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में। अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। आंच को मध्यम रखिए। अब सारे मटेरियल को हम एक साथ डाल देंगे, इससे हमारा तेल कम लगेगा। इस तरह से बनाने में तेल बहुत कम लगता है, उस तरह से बनाने में तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अब इसको हम पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन भूनेंगे। हेल्थ कॉन्शियस अगर आप हैं तो आप इस तरह से बनाइए। कम तेल में देखिए पलट पलट कर इसको आप भूनते रहिए। जब ये गोल्डन ब्राउन पूरी तरह से हो जाए तब आप इनको निकालिए। हमारी ग्वालफली की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसको बनाने में हमको 5 से 7 मिनट लगे हैं। अब इसको हम सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। गैस को बंद कर दीजिए। देखिए ये एक अलग तरीके की सब्जी है। बनाना बहुत आसान है लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट रहता है। हमने आप लोगों के लिए आज एक नई तरीके की डिश निकाल के ढूंढ कर खोज कर लाए हैं कि जिसके आपसे थोड़ा टेस्ट खाने में अलग आ जाए। देखिए ये बनना भी कितना आसान है और फटाफट बनकर तैयार हो गई है और खाने में भी लाजवाब है। यदि हमेशा की तरह आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट लिखिए, शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको प्लीज जरूर करिएगा। एक नई रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।